हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपशिखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है यूमी एंड फूड। सर्दी के मौसम में रजाई में बैठे बैठे मीठा खाने का मजा ही कुछ और होता है। तो आज मैं आई हूँ एक ऐसी रेसिपी के साथ जो मीठी मीठी टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है। और इस सर्दी आप ये रेसिपी जरूर एंजॉय कीजिए, एक बार तो बनाना बनता ही है। तो चलिए आइए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बेसन की चक्की बनाने के लिए मैंने लिया है 750 ग्राम बेसन, 700 ग्राम चीनी जो मैंने यहाँ पे बूरा चीनी लिया है, आधा किलो घी का यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और मैंने घर का बना हुआ देसी घी लिया है। साथ ही हम लेंगे 250 ग्राम सूजी जो कि लगभग 1 कप के बराबर है, और साथ ही मैंने थोड़े से नट्स लिए हैं जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, इन्हें मैंने बारीक काट कर ले लिया है। और गार्निशिंग के लिए लिया है मैंने डेसिग्नेटेड कोकोनट, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब सबसे पहले हम लेंगे एक भारी तले की कढ़ाई, और कढ़ाई के हल्का गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे अपना घी। घी जब मेल्ट हो जाए तो उसमें हम डालेंगे सूजी और इसे हम हल्का भून लेंगे। इससे जो है वो सूजी बहुत अच्छा टेक्स्चर देगी चक्की में। सूजी कम्प्लीटली ऑप्शनल होती है वैसे तो, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा क्रिस्पीपन चाहते हैं अपनी चक्की में कि चक्की जो है वो चिपके नहीं गले के साथ, तो इसे यूज़ करना बहुत ही बेस्ट रहता है। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन, आप थोड़ा थोड़ा करके भी बेसन डाल सकते हैं या एक ही बारी में भी डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, जैसा भी आपको कम्फर्टेबल लगे। और इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। शुरू शुरू में बेसन जो है वो बिल्कुल ऐसा होता है तो आपको लगता है कि घी थोड़ा कम है, लेकिन थोड़ी सी देर में ही बेसन जो भुनने लगता है तो घी छोड़ने लगता है, तो थोड़ा इजी हो जाता है इन सब स्टेप्स को करना। और यहाँ मैं आपको लगभग 10-10 मिनट के गैप पे दिखा रही हूँ कि किस तरह से बेसन का टेक्स्चर चेंज होता है। और हमें इसे कंटिन्यूसली लो टू मीडियम फ्लेम पर भुनते रहना है। और ये आप देखेंगे लगभग 10 मिनट के बाद जो है वो बेसन इस तरह से हो गया है, और आफ्टर 20 मिनट जो है वो बेसन का ये टेक्सचर है, बेसन पूरा लिक्विडी हो गया है। और जब बेसन पूरा अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाए, यहाँ मेरा कैमरा थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो गया है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन बेसन जो है वो पूरा गोल्डन ब्राउन टेक्सचर में आ गया है, आप देख सकते हैं। इस स्टेज पे हम इस पे डालेंगे पानी। पानी आपको इस तरह से स्प्रिंकल करना है जैसे हम छींटे मारते हैं, उस तरह से आप 1 से 2 बार इस पे छींटे मारिए और इसे हिला दीजिए ताकि एक झाग सा क्रिएट होगा, और उसकी वजह से जो बेसन का टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और अब ये मेरा बेसन बिल्कुल रेडी है, मैंने इस पे 2 बार पानी के छींटे मार के इस पे झाग क्रिएट कर दिया है, उसकी वजह से चक्की जो है वो बहुत अच्छी दानेदार बनती है। अब मैं इस बेसन को हल्का ठंडा होने के लिए रख दूंगी। इसे मैंने एक बड़ी परात में शिफ्ट कर लिया है और बिल्कुल इसे 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने दें, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है हमें। बड़े बर्तन में शिफ्ट करने पे ये ऑटोमेटिकली ही 2 से 3 मिनट में ठंडा हो जाएगा। तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे अपनी पीसी हुई खांड, आप खांड भी ले सकते हैं, बूरा भी ले सकते हैं, या घर पर अपनी जो नॉर्मल चीनी है उसे भी पीस कर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बूरा चीनी जो मार्केट से खांड मिलती है उसे लिया है। और साथ ही हम एक थाली लेंगे, बड़ी थाली किनारों वाली, आप चाहें तो अपनी केक बेकिंग टिन भी ले सकते हैं, और उसे हम अच्छे से घी या ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी जब चक्की इसमें जम जाए तो उसे निकालने में हमें दिक्कत नहीं हो। तो ये मैंने प्लेट को भी ग्रीस करके साइड में रख दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे अपना जो चक्की का मिक्सचर है, बेसन और खांड को हमने मिक्स करके लिया है, आप चाहें तो थोड़े से नट बीच में भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें ऊपर से गार्निशिंग में ही यूज़ करूंगी क्योंकि जनरली मार्केट से जो हम चक्की लाते हैं वो इसी टेक्सचर की ही होती है। और इसे हम अच्छे से प्रेस कर देंगे और प्लेट में या थाली में इस तरह से अच्छा फ्लैट हो कर लेंगे, और इसके ऊपर मैं गार्निशिंग कर रही हूँ डेसिग्नेटेड कोकोनट से, और साथ ही में मैं इसमें डालूंगी नट्स, और उसके बाद हम इसे हल्का प्रेस कर देंगे जिससे ये अच्छे से चक्की के अंदर दब जाएँ। तो ये स्टेप करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपके जो नट्स हैं वो ऊपर ऊपर ही रहेंगे और जब आप चक्की खाएंगे तो गिरने लग जाएंगे। और ये देखिए मस्त वाली अच्छी सी डिलीशियस सी बेसन चक्की जो है वो बनकर तैयार हो गई है। और आप इस चक्की को अगर एक बार खाएंगे तो आपका इसे बारी बारी खाने का मन करने वाला है। और ठंडी के मौसम में बेसन वैसे भी बहुत हेल्दी होता है खाना,
आपको आपकी बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है। तो होपफुली आपको मेरी ये बेसन चक्की की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।